What's up everyone? मेरा नाम है रोहन रामपाल एंड वेलकम टू द चैनल. आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के ऊपर से. रीजन बीइंग बिकॉज 3 महीने तक भाई ये शो हम सभी के जिंदगी का एक पार्ट बनने वाला है. एंड ऐसा कोई नहीं है जो बिग बॉस के बारे में जो कहता है ना कि भाई मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, बिग बॉस में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ये ऐसा शो है वैसा शो है जैसा भी है, बट हम सब कहीं ना कहीं बिग बॉस को थोड़ा मिस करते हैं. बिकॉज चलो ठीक है, जो भी है, भले झगड़े हों या कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, बट हमें थोड़ा मजा आता है ऑनेस्टली, थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को और फिर उसके बाद ऊपर से डिस्कस करने को मजा आता है. सो बिग बॉस 18 आ चुका है और हमने ये सीजन में एक पास सीजन में हो चुका है कि उन्होंने एक डॉग को अंदर भेजा था. इस साल इन्होंने एक गधे को, विच इज गधराज करके उसको नाम दिया गया है, और एक गधे तक को भी अंदर भेज दिया है. तो गधे से याद आया, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ऑडियंस ये रिएक्ट कर रही है कि ये वाले कंटेस्टेंट को डालने के बाद बिग बॉस का इस साल का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है. बट आई डोंट थिंक सो. आई कैन ऑफ फील के ऐसे 5 कंटेस्टेंट्स हैं इस साल जो आई कैन ऑफ फील के इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी, उसके जगह कुछ और कॉन्ट्रोवर्सी वाले या कोई बोलते ना धाकड़ कंटेस्टेंट बिग बॉस में जा सकते थे. सो ये कौन है 5 जन, आज हम उस चीज को भी कवर करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि यार बिग बॉस का जो स्टार्ट टू एंड जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे उनके बारे में थोड़ा हम अपनी राय भी देंगे कि कौन टॉप 5 तक पहुंच सकता है, कौन नहीं पहुंचेगा, और ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनको आई फील के बिग बॉस की जरूरत नहीं थी बट स्टिल उन्होंने वो 5 टिकट जो मेरे हिसाब से वेस्ट किए हैं. सबसे पहले बिग बॉस में एंट्री होती है चाहत पांडे की. शी कम्स आउट एज अ वेरी सॉर्टेड और आई काइंड ऑफ फील के एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत ही सक्सेसफुल शो दे चुकी है. इनके चांसेस डेफिनेटली है टॉप 5 तक पहुंचने के, बट कुछ चीजें हैं जो मैं मीन्स आई एंड काइंड ऑफ ऑडियंस ऑल्सो विल रिएक्ट के यार हर चीज में अपनी माँ से पूछ के कहती हूँ. पैसा काफी बनाया हुआ है बट आई एम सरप्राइज, अगर आपने पैसा बनाया है तो आपने गाड़ी घर ये तो एक नॉर्मल कोई भी लेता है. सो आई काइंड ऑफ फील के मीन्स शी वॉन्टेड टू गेट अ थोड़ा इमोशनल टच विद द ऑडियंस, वो बन नहीं पाया. इवन सलमान टॉन्टेड हर के आपने क्यों नहीं लिया है, मीन्स इज इट लाइक के मीन्स आप क्या बताना चाह रही हैं कि अगर आप सब पैसे अपनी माँ को भेज रही हैं, गाँव में भेज रही हैं, तो वहां पे भी आप घर मकान गाड़ी कुछ ना कुछ तो लेती ही होंगी, राइट और रॉन्ग. सो आई कैन फील के ये थोड़ा वॉनबी नेचर स्टार्ट में मुझे लगा, बट देखते हैं आगे कैसे निकल के आती हैं चाहत पांडे. हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जो है शहजादा धामी, भाई एकदम ही धाकड़ परफॉर्मेंस के हिसाब से वो अंदर आए हैं. एकदम गुस्सेलू हैं कि भाई मेरे तो पंगे हो चुके हैं, मुझे एक शो से निकाला जा चुका है, मेरी बहुत बेइज्जती की थी. सलमान खान ऑल्सो गेव इट बैक टू हिम एंड सेड के भाई देखो, पहली चीज तो ये है कि आपका काम बात करना चाहिए है. इंडस्ट्री में ऐसी सब चीजें होती हैं, यू हैव टू जस्ट निग्लेक्टेड मूव फॉरवर्ड, माइट बी समथिंग कि कुछ उनको ट्रिगर कर दिया हो. शहजादा आई कैन फील हैज पोटेंशियल बट टॉप 5 पे मैं इन्हें नहीं देखता. हमारे तीसरे कंटेस्टेंट थे अविनाश मिश्रा. जैसी ही उनकी एंट्री हुई और शहजादा धामी के सामने खड़े थे, कुछ चीजें उन्होंने शहजादा को जो कही थी आई कैन ऑफ रिलेटेड एंड आई सेड कि भाई ये बंदा बहुत ही सॉर्टेड है एंड ही इज गॉट अ पोटेंशियल. इवन सलमान खान आई वो से दैट काइंड ऑफ वॉज एग्रींग विद अविनाश व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे टू यू नो शहजादा को जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई एंग्री यंग मैन नेचर अच्छा नहीं है और ये इंडस्ट्री में काफी लंबे समय तक नहीं जा सकता. अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, काम की जरूरत है, तो यू जस्ट हैव टू बोलते ना बाव नीचे मुंडी करके यस सर करके ही काम करना पड़ता है. सुननी पड़ती है कभी कभार बट नॉट नेसेसरी आपको हर चीज का जवाब देना चाहिए. सो अविनाश बहुत ही सॉर्टेड और सुलझे हुए बंदे निकल के आ रहे हैं. एक फर्स्ट इंप्रेशन जो हो जाता है ना बंदे का, सो इस बंदे का नेचर मुझे बहुत पसंद आया है. आई कैन फील के ही इज गॉट दैट पोटेंशियल के टॉप 5 तक जरूर पहुंचेगा. सो चौथे नंबर पे है शिल्पा शिरोडकर, जिनकी एंट्री बहुत अच्छी हुई. सलमान नोज हर एंड इंडस्ट्री में शी इज गॉट अ वेरी लवी डवी नेचर. आई कैन फील ऑनेस्टली नो ऑफेंस टू हर, दैट्स हर पर्सनल चॉइस, बट आई कैन फील के शी ऑलरेडी नोज लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट. आप अगर इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, आपको अगर अपना एक बोलते हैं ना कि री एंट्री करनी है, वापस से मुझे काम करना है इंडस्ट्री में, यू ऑलरेडी गॉट द कॉन्टैक्ट्स, आपके पास सब सोर्सेज हैं. बिग बॉस आई कैन फील के इन्हें नहीं करना चाहिए था, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, बट इन द एंड ये कहते हैं ना कि भाई हर एक बंदा अपने डिसीजन खुद ले सकता है एंड शी मस्ट हैव टेकन अ राइट डिसीजन अकॉर्डिंग टू हर, बट बिग बॉस आई कैन फील इज नॉट फॉर हर. ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, दिस इज गारंटेड, बट यस बहुत ही सुलझी हुई एंड बहुत ही स्वीट नेचर है उनका. सो आई कैन फील के
ये एक टिकट वेस्ट हुई है बिग बॉस की। पांचवें नंबर पे हमारे आए थे तजिंदर सिंह बग्गा। मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, बट जैसे ही उनकी एंट्री हुई उन्होंने अपने बारे में बातचीत करना शुरू की। उनसे एक सवाल किया गया था कि ये प्लेटफॉर्म क्यों, और उनका मुझे जो बोलते ना ब्लंट आंसर था और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस था वो मुझे पसंद आया। और कहीं ना कहीं इवन सलमान जी को भी उनका नेचर और उनका एक प्रेजेंस अच्छा लगा। रीजन, बहुत ही मजाकिया और हसमुख इंसान है, सो आई काइंड ऑफ फील के ही इज द राइट पर्सन टू सेंड इन बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस में सिर्फ झगड़ा 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 नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक हंसी माहौल भी होना चाहिए। एंड आई काइंड ऑफ फील के इनके पॉलिटिकल करियर को भी एक नए लेवल पे जरूर लेके जाएगा। सो आई काइंड ऑफ फील के तजिंदर सिंह बग्गा, आई डोंट थिंक सो ही इज गॉट अ चांस ऑफ टॉप फाइव, बट यस 7th-8th तक तो जरूर रहेंगे। सो छठे नंबर पे हमारी आई थी श्रुतिका अर्जुन। जैसे इनकी एंट्री हुई आई काइंड ऑफ फेल्ट के शी इज फेकिंग इट, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि हु इज शी। तब मुझे पता चला शी इज अ तमिल एक्टर बेसिकली, और उनके लिए हिंदी में बात करना इज नॉट कंफर्टेबल, एंड दैट इज द रीजन वो एक थोड़ा सा एक आ रहा था कि यार व्हाई शी टॉकिंग लाइक दिस। इट्स नॉट दैट कि ना हमें उन्हें जज करना चाहिए था, या मैं भी थोड़ा जज कर चुका था कि प्रॉब्ली शी इज फेकिंग इट, बट देन व्हेन आई रिसर्च्ड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हर शीज कम आउट टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सोल। जैसे ही उन्होंने एंट्री की उसके बाद का थोड़ा सा लाइव मैंने देखा, मुझे उनका नेचर बहुत ही पसंद आया। शी इज अ वेरी लविंग सोल, एंड मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई इतनी ब्यूटिफुल एक्ट्रेस और 12 साल का बच्चा भी है। आई गॉट द सरप्राइज ऑफ माई लाइफ मैन, कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके 12 साल का बच्चा हो सकता है, बट एनी वेज आई कैन नॉट फील के शी शुड डेफिनेटली रीच टॉप फाइव। सातवें नंबर पे एंट्री होती है नायरा बैनर्जी। भाई साहब, इसकी एंट्री होने के बाद मुझे ऐसा लगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा, क्योंकि द मोमेंट शी एंटर्ड आफ्टर हर परफॉर्मेंस उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। शी इज वेरी लेवल हेडेड, शी एग्जैक्टली नोज व्हाट शी वांट्स, एंड आई काइंड ऑफ फील के भाई ये बंदी टॉप फाइव तक जरूर पहुंच जाएगी। जिस हिसाब से इन्होंने कुछ चीजों का जवाब दिया, मुझे ये पता चल गया कि भाई ये बंदी लंबी रेस की घोड़ी है, एंड डेफिनेटली ये टॉप फाइव तक जरूर पहुंचेगी। भाई आठवें नंबर पे एंट्री होती है चुमदरा की। शी इज रिप्रेजेंटिंग अरुणाचल प्रदेश। जब भी इनकी एंट्री होती है आई कैन नॉट फील के यार इनके साथ में थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है उनके नाम को रिलेटेड। बहुत जन उसे रिलेट कर रहे हैं चुम्मा चुम्मा से, विच इज काइंड ऑफ आई फील शुडंट हैव बीन डन, क्योंकि आई अंडरस्टैंड उनके लिए भी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, एंड शी इज ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल इन हिंदी। नॉट दैट के शी इज नॉट मेकिंग एन एफर्ट, शी इज, बट आई कैन नॉट फील के सामने वाले को भी उस तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि भाई उससे हिंदी नहीं समझ में आती है अच्छे से, सो वी शुड ऑल्सो मेक इट एन एफर्ट के यार यू नो गिव दैट रिस्पेक्ट इन दैट मैनर। थोड़ा सा लाइव जहां मैंने देखा था शहजादा धामी वॉज स्पीकिंग टू अविनाश, और उनकी बातचीत चल रही होती है एंड और शहजादा बात कर रहा होता है चुम के बारे में, अगेन मजाकिया तरीके में कि चुम्मा चुम्मा नाम है, ये है वो है एंड दिस दैट, बट जैसे ही उनकी एंट्री होती है वो बात को रिलेटेड नहीं बट समथिंग एल्स रिलेटेड कुछ बात करना शुरू कर देते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू से इज के अगर आपको किसी के बारे में या कुछ मजाक भी उड़ाना है सामने कर लीजिए, पीठ पीछे करके क्या फायदा हो। सो आई कैन नॉट फील के शहजादा धामी अभी से ही अपना एक वो होता है ना कि ट्रू नेचर लाइक अ बुली, वो थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी के बारे में थोड़ा मजाक वजाक करना है तो इट इज नॉट एन ओके थिंग। अगर आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अगर आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मजाक नहीं करना चाहिए, बट मजाक तब होना चाहिए जब वो भी सामने हो, आप थोड़ा मजाक कर लें, इफ दे टेक इट लाइटली देन इट्स ओके, बट इफ इन केस समबडी अगर वो सामने वाला वो मजाक को नहीं पसंद करे, सो ऑब्वियसली यू डोंट हैव द राइट, राइट? बट अब जब आप किसी के पीठ के पीछे बात कर रहे हैं सो ऑब्वियसली इट फील्स के भाई आप मजाक बना के उस बंदे को नीचा भी दिखवाना चाहते हैं किसी और के सामने। आई कैन नॉट फेल्ट के अविनाश, ठीक है आई अंडरस्टैंड के ये इनिशियल पीरियड है, अविनाश अभी शायद किसी का साइड नहीं लेना चाह रहा है, सो ही जस्ट वेंट विद दैट फ्लो। सो एनीवेज लेट्स सी आगे बिग बॉस 18 में अभी क्या क्या होने वाला है। सो 9th पोजिशन पे हमारे आते हैं करण वीर मेहरा। ये वो है जिन्होंने अभी रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं, और उसी सीजन में जहां आसिम था और आसिम के साथ में इन्हीं का पंगा हुआ था, आसिम का आई कैन नॉट फील के
एक अभी ऐसा नेचर निकल के आया है हम सभी के सामने कि इज वेरी एरोगेंट. अगर मैं पर्सनली अगर आसिम को जानता तो आई वुड हैव डेफिनेटली टोल्ड हिम कि जस्ट टू मेलो डाउन अ लिटिल बिट, बिकॉज द वे ही प्रॉब्ली पोर्ट्रेड हिमसेल्फ और जिस हिसाब से ऑडियंस ने और सबने उसे लिया है, इट केम अक्रॉस वेरी एरोगेंट. बट करणवीर मेहरा, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, सुलझा हुआ है. आई कैन नॉट फील के यस, जैसे ही सलमान खान ने उनके थोड़े डिवोर्स के बारे में बात किया कि एक शादी दूसरी शादी दोनों ही नहीं टिकी, प्रॉब्ली कहीं ना कहीं करणवीर इसलिए भी जाना चाहते हैं बिग बॉस में टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग, बोलते ना वो गलत हो रहा है मेरे पूरे लाइफ में, शायद कुछ चीजें हैं जो मुझे सुधारने की बोलते ना कि कोशिश करनी चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई कैन ऑफ फील कि करणवीर यस डेफिनेटली नीड्स बिग बॉस मोर देन बिग बॉस नीड्स हिम. सो अब देखते हैं करणवीर मेहरा क्या करेंगे, क्योंकि जैसे एंट्री उनकी हुई रजत दलाल के साथ में, कुछ चीजें वहीं से थोड़ी स्पार्क हो रही हैं. लेट्स सी क्या होता है आगे, कुछ पंगा लफड़ा होता है या नहीं होता है पता चलेगा. भाई बात करते हैं 10वें नंबर पे जो कंटेस्टेंट आते हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बात कर चुका हूं, रजत दलाल. एक ऐसे बंदे जो भाई कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी और सोशल मीडिया पे तो छाए हुए हैं फॉर टेकिंग पंगाज, लफड़ा बहुत जनों के साथ में हुआ है. ऐसे तो मेरे को लगता है कि ऐसे कोई बड़े बड़े अभी बचे ही नहीं है दिग्गज जिनका इनके साथ में पंगा नहीं हो रहा है. अगर किसी ने भी इनके बारे में बात की तो अगर जो भी है गलत की तो ये पीछे पड़ जाते हैं. सो आई कैन फील रजत दलाल इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बिग बॉस हाउस, बिकॉज भाई कोई तो चाहिए जिसके बारे में थोड़ी मिर्च मसाला बातें चलते रहे और हम सब थोड़े एक्साइटेड रहे कि भाई रजत ने आज क्या किया, किसके साथ में लफड़ा हो गया. हाथ वाथ तो नहीं उठाना है बट ठीक है, जबानी जबान में चलना है, शायद धक्का धुक्की ये सब तो होगा, क्योंकि रजत का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही जल्दी शॉर्ट टेम्पर है. सो आई कैन नॉट फील के वो, और जैसे ही मैंने लाइव भी देखा है उनका ऑलरेडी हो गया है बग्गा बाजी के साथ में, ऑलरेडी लफड़ा हो चुका है. सो भाई रजत दलाल का, सी आई एम नॉट अ फैन ऑफ रजत दलाल, आई एम नॉट उनके जो एजेंडाज होते हैं, बट वॉट इज वर्किंग फॉर हिम वो उनको पता है. But I am not a fan of Rajat Dalal. Yes, I know him. He means ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रजत दलाल को आज की तारीख में नहीं जानता होगा. अगर आप Instagram, अगर आप YouTube चला रहे हैं तो भाई आपको पता है रजत दलाल के बारे में. मेरे को इनके बारे में तब पता चला था जब राजवीर के साथ में इनका लफड़ा हुआ था. एंड आई कैन फॉलो राजवीर बिकॉज राजवीर एक ऐसे बंदे थे जिनको मैं थोड़ा फॉलो कर रहा था जब ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब जर्नी एंड नाउ ही इज बिकम रियली बिग. सो तब से मैं रजत दलाल के बारे में थोड़ा जानने लग चुका हूँ. एंड आई कैन फील के रजत दलाल के लिए ही ऑल्सो अंडरस्टैंड के भाई, जैसे उन्होंने क्लियरली कहा कि मेरे लिए पॉजिटिव चीजें वर्क नहीं कर रही थी, जैसे ही मैंने थोड़ा नेगेटिव करना शुरू किया इट वर्क फॉर मी. एंड सी फेम पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, फिर उसके बाद वंस योर famous, then you can make a difference. तो I understand what Rajat is also thinking कि भाई मेरे लिए अभी यही काम कर रहा है तो मैं यही कर लूँ क्योंकि इसी के वजह से लोग मुझे देखते हैं. So I kind of feel कि रजत दलाल top 5 तक आ सकता है, means पांचवें position पे, पांचवें पे. But पांचवें में और तीन जनों को भी देखता हूँ, वो मैं आखिर में बताऊंगा. But I kind of feel कि yes, रजत दलाल is a strong contestant. भाई वो बंदा दिमाग से ही बहुत स्ट्रांग है, बल से तो है ही बट दिमाग से भी बहुत स्ट्रांग है, तो उसे तोड़ना मरोड़ना या मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा. 11वें नंबर पे हमारी आती है मुस्कान बामने, जिसे पूरी फैमिली छोड़ने को आई थी. एंड आई कैन नॉट फील के जिस हिसाब से मैंने लाइव देखा उनका जो इंटरेक्शन देखा सलमान के साथ में, मुझे बहुत ही सॉफ्ट, मुझे बहुत ही एकदम बोलते ना कि यार ये पंगा नहीं ले सकेगी, ये कोई इश्यूज नहीं क्रिएट कर पाएंगी, कोई एजेंडा के ऊपर शायद आगे जाके खड़े होके बोल नहीं पाएंगी. आई कैन नॉट फील के वो सिर्फ बोलते ना वो एक फिलर हो सकती है कि भाई ठीक है भीड़ में खड़ी हैं. बट देखते हैं आगे बिग बॉस का थोड़ा लाइव शो आगे बढ़ेगा, सीजन थोड़ा आगे चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि मुस्कान आखिर में ये मुस्कान कैरी कर पा सकती है या नहीं, ये हम सभी को जल्दी ही पता चल जाएगा. अब भाई ये ऐसे दो और टिकट है जिसके बारे में मुझे लगता है यार फिर से बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट कोई और हो सकते थे, ये दो पोजिशन वेस्ट किए गए हैं. बिकॉज इनकी जगह आई कैन नॉट फील के यार कोई एक ऐसा बंदा आ सकता था या बंदी आ सकती थी जिसे बिग बॉस की जरूरत है. आई डोंट थिंक सो आफरीन खान और सारा आफरीन खान जो एक लाइफ कोच हैं, ऋतिक रोशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लाइफ कोच वो होते हैं जो आप अगर डाउनफॉल में हैं, यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली डिसीजंस आपको लेने चाहिए लाइफ में, आपकी लाइफ को एक बोलते ना एक्यूरेसी में लाके एक फोकस देते हैं कि भाई आपको ये डायरेक्शन में चलना है, आप ये चीजें चेंज करो वो चीजें चेंज करो. सो लाइफ कोच वो होते हैं.
सो आई कैन फील के भाई आपके पास ऑलरेडी एक फेम है, आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा आपका एक सेटअप है, आपको बिग बॉस की जरूरत नहीं थी। मुझे तो भाई सिर्फ एक ही डर है कि आफरीन खान और सारा आफरीन खान के लिए पॉजिटिव अपनी जो मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, ये ऐसा ना हो ये शायद नेगेटिव मार्केटिंग हो जाए। कैसे? क्योंकि भाई जो बाकी के 16 कंटेस्टेंट्स हैं वो तो भाई ऑल आउट करने वाले हैं, अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं कि भाई मैं तो अपनी एक जो भी पर्सनालिटी, भले वो फेक हो या एक रियल पर्सनालिटी, वो तो मैं देख ही छोड़ूंगा और मैं किसी की सुनूंगी नहीं या सुनूंगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पंगे तो होंगे, अब इनका भी कुछ एक नेचर बाहर आएगा। सो आई कैन फील कि अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे सक्सेसफुल पोजिशन पे हो, आप भाई दो बातें क्या, चार बातें भी नहीं बट 10 बातें सुनोगे सामने वाले से। सो मेरे हिसाब से ये थोड़ी नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी इनके लिए। 14 नंबर पे हमारी आती है हेमा शर्मा, जिसे इवन वायरल भाभी के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी तक इनके कोई वीडियोस नहीं देखे कि, क्योंकि अगर इतनी वायरल है तो भाई मेरे तक भी तो वीडियो आना नहीं आता ना। तो आई डोंट नो, वायरल भाभी के बारे में थोड़ा बहुत जब मैंने जानकारी निकाली है, वायरल भाभी का पंगा ऑलरेडी सलमान खान की टीम के साथ भी हो चुका है, जहां उन्हें एंट्री नहीं मिली थी कुत्तों की तरह, ऐसे दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट दे सेड, ओके, कुत्तों की तरह मुझे निकाल दिया गया था, मेरी बेइज्जती हुई थी और ऐसे थोड़ी छोटी सी एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है। फिलहाल के लिए उनका एटीट्यूड टुवर्ड सलमान और शो के प्रति अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, देखते हैं, बट आई डोंट थिंक के प्रॉब्ली वो टॉप 5 या टॉप 7 या टॉप 8 तक पहुंच पाएंगी, बट यस थोड़े टाइम तक टिकी रह सकती है। सो 15 नंबर पे हमारे आते हैं डॉक्टर एडवोकेट गुणरतन सदवर्ते। ये काफी सुर्खियों में रह चुके हैं बिकॉज ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ एन अटैक ऑन दी एनसीपी लीडर कॉल्ड एज शरद पवार। इसके वजह से महाराष्ट्र बार काउंसिल ने इनका जो लाइसेंस था ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉ 2 साल के लिए कैंसिल किया गया था। अब देखते हैं ये बिग बॉस में क्या धमाल मचाते हैं। गुणरतन जी बिग बॉस तक तो पहुंच चुके हैं बट अगर बिग बॉस में इनका परफॉर्मेंस, आई कैन फील कि हमारे या ऑडियंस के वो एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंचा। सो अगेन एक और एक टिकट और एक और एक कंटेस्टेंट की जो एंट्री हो सकती थी इनके जगह वो वेस्ट हो जाएगी। सो आई कैन फील के मेरा अभी भी 50-50 मानना है कि इनका नेचर जो है शो में शायद ही आ सकता है और शायद नहीं भी। 16 नंबर पे हमारी आती है आयशा सिंह। इनकी जैसी ही एंट्री होती है, इनका जो कॉन्वर्जेशन होता है सलमान के साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ही था वो कॉन्वर्जेशन, बिकॉज वो ऐसा लग रहा था वेस्ट कॉन्वर्जेशन था कंप्लीटली। अगर आपको बिग बॉस में नहीं आना था मत आते। अगर आप बोल रहे हैं कि कलर्स के ऊपर केस करना चाहिए, कलर्स ने मेरे को ब्लैकमेल किया है, मेरा मन नहीं था, सुबह कॉल किया और शाम को मैं इधर आ गई हूं, तो आप नहीं आते। आप अगर नहीं आना चाहते थे तो आप एक बहुत ही डिजर्विंग बंदे या बंदी का पोजिशन ले चुके हो। एंड आई पर्सनली फील ये भी कंटेस्टेंट को, भले वो कलर्स का फेस हो कि जानी चाहिए थी, होनी चाहिए अंदर, बट आई कैन फील कि अगर आपका मन ही नहीं है तो आपका बिग बॉस में एंटर करना ही लाजिम नहीं बनता। अगर आपका मन नहीं था तो मत जाते। अब बचते हैं आखिर के 2 कंटेस्टेंट जो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस हाउस 18 के। आई कैन फील के विवियन जो हमारे 17 नंबर पे आते हैं, इवन सलमान ऑल्सो हैड द सेम क्वेश्चन के यार जो आपका जो नेचर है बहुत ही गर्म दिमाग और गुस्सेल है, ही सेड कभी कभार बट नॉट नेसेसरी जो मेरा कैरेक्टर बना है बोलते ना टीवी सीरियल में, इट्स नॉट नेसेसरी मेरा वो एक्चुअल में वो नेचर है, बट कहीं ना कहीं अगर कभी कभार जरूरत पड़ती है, यस आई डू बिकम लाइक अ वेरी एंग्री यंग मैन। आई काइंड ऑफ फील के यार विवियन टॉप 3 तक तो जरूर पहुंचेंगे। विवियन एज एन एक्टर ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल शो, एज एन एक्टर ऑल्सो ही इज लाइक बाय लॉट ऑफ पीपल, बहुत ऑडियंस है जो उसे बहुत प्यार करती है, बट अपनी पर्सनल लाइफ में ही हैड गॉन थ्रू अ लॉट। उनका अपनी पहली बीवी के साथ में डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स होने के बाद ही आई थिंक ही वॉज इन लिटल बिट ऑफ डिप्रेशन, ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड फाइनली वंस ही इज बैक वो स्क्रीन में अपना प्रेजेंस भी देना चाहते हैं। एंड यस For you guys, he's already married though. He's married to an Egyptian girl who's a journalist. अगर आप सब ये नहीं जानते थे। Big Boss House 18 की आखिरी contestant Alice Kaushik, जैसी इन्होंने एंट्री की, ऑडियंस की वो चहेती इसलिए भी बन चुकी है बिकॉज शी इज गॉट अ इमोशनल बैगेज। जैसी उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बातें करना शुरू की, ऑडियंस एक इमोशनली उनके साथ में अटैच कर चुकी है। हाउ शी इज लॉस्ट हर फादर एंड देन मदर, और आखिर में आई वुड से दैट शी इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल के उसने दुनिया से सबसे लड़ी है और ये मुकाम तक पहुंची है। बिग बॉस 18 के अगर विनर्स को मैं देखता हूं, जो मैं आखिर 2 या आखिर 3 में देखता हूं, एलिस कौशिक इज बेसिकली वन ऑफ देम। बिग बॉस 18 के
टॉप फाइव कंटेस्टेंट जो हमारे हिसाब से जो आखिर टॉप फाइव तक पहुंच सकते हैं, विच आर विवियन, करणवीर, एलिस और चौथे नंबर पे हमारी नायरा। पांचवे पे आई काइंड ऑफ फील के ऐसे तीन जन हैं जो कम्पीट कर सकते हैं आपस में, विच इज रजत दलाल, चाहत एंड अविनाश। और बिग बॉस 18 के ऐसे पांच नाम जिन्हें हमें लगता है कि बिग बॉस के अंदर उन्हें जाना नहीं बनता था, विच इज शिल्पा शिरोडकर, जारा आफरीन खान, डॉक्टर एडवोकेट गुणतरन और आखिर में हमारी जिन्हें मन नहीं कर रहा था अंदर जाने का, आयशा सिंह। हम सभी जैसे ही बिग बॉस के बारे में सोचते हैं, हम सभी के दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो है सिद्धार्थ शुक्ला। आई नो कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, बिकॉज उस बंदे ने जो बार सेट करके रखा है बिग बॉस का, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा सीजन कर पाएगा। अगर आप ऑडियंसेस सोचती हैं कि शायद बिग बॉस 18 में से एक बंदा जो एक शायद कर सके, मेरे हिसाब से इज ओनली गोना बी विवियन। आई हैव हाई होप्स ऑन विवियन। लेट्स सी अब विवियन क्या कर सकते हैं ये सीजन में। सिद्धार्थ शुक्ला का अगर आप सीजन देखेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला को भी ट्रिगर करने वाला बंदा आसिम रियाज था, एंड दैट इज वाई इन दी एंड आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला ही फाइनल्स तक पहुंचे थे। मेरे हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला का बेस्ट पोटेंशियल जो निकाला था वो आसिम ने ही निकाला था। अगर ये सीजन में भी मेरे को लगता है विवियन का जो एक रियल पर्सनालिटी और एक जो हम सबको पसंद आएगा, एक एंग्री यंग मैन, शायद अगर कोई उसे ट्रिगर कर पाया तो ये एक सीजन भी ऐसा रह जाएगा कि हम सभी के दिमाग में फिर विविन का नाम भी आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आई एम गोना से टाटा एंड बाय बाय टू ऑल द गाइस। बिग बॉस 18 आप सभी को देखना जरूर चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा तो देख लीजिए, अगर नहीं तो मत देखिएगा। आई होप आप सभी को हमारा ये बिग बॉस 18 का कंटेस्टेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और उनके बारे में थोड़ी सी टिप्पणियां पसंद आई होगी। अगर आई है सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स, बाय।